रोड पे। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन के सामने आप इधर इस टाइम पे आ सकते हैं। ये इधर है कोई मार्की है, ये मार्की का नाम भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे फ्री आटे की फ्राहमी जो है ना वो यहाँ पे दी जा रही है। और आप आए हैं जिन जिन लोगों का रजिस्टर्ड है, जो लोग 60,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, वो लोग आके तो यहाँ से आटा ले सकते हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ साकिब और अपने चैनल ट्रैवल 295 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मेरा ब्लॉग नंबर 44 है और अभी मैं काम स्टार्ट करने लगा और इंतहाई ज़रूरी अपडेट जो थी वो मैंने अपलोड कर दी अभी रिसेंटली। वो ये थी कि लाहौर शहर के जितने भी शहरी अवाम हैं जो 60,000 से कम इनकम कमाते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये थी कि गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री आटे की फ्राहमी शुरू कर दी है। और फ्री आटे की फ्राहमी के लिए पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में डाल के मैंने अपलोड कर दिया, उस चीज़ को अपलोड कर दिया मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाए, जो लाहौर शहर के रहने वाले हैं उनको पता चल जाए, शिमला पहाड़ी से जैसे ही हम लोग माल की तरफ जाने लगते हैं, वहाँ पर शहीन कम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ ही, जहाँ पे सुई गैस का ऑफिस है, सुई गैस का हेड ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने ही है मार्की। उस मार्की में वहाँ पे फ्राहमी शुरू कर दी और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ऐसे ही लगना शुरू हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल मुझे ये देखने को मिली है तो मैंने आप लोगों तक वो शेयर की है। तो अभी फिलहाल मैं काम करने लगा हूँ, साथ साथ काम भी करूँगा, साथ साथ जैसे कोई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। हाँ जी, तो मैंने अपनी फर्स्ट राइड को इधर ड्रॉप किया है जौहर टाउन में, तो सेकेंड राइड की तरफ भी मैं जा रहा हूँ, उसकी पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो जैसे मैं पिकअप लोकेशन पहुंचूंगा आगे, फिर मैंने उसको ड्रॉप करना है इधर डेविस रोड गड़ी शो, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी पूरी डिटेल के साथ वो ड्रॉप अप लोकेशन शेयर करूंगा। मैंने अपनी राइट को इधर ड्रॉप कर दी है डेविस रोड प्योरमेट पे। जी मैं इस टाइम आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, इधर से मैं राइड पिक करूँगा। इस टाइम जो एरिया ये है कोट ख्वाजा सईद वाला, कोट ख्वाजा सईद से इसको पिक करना है और इधर भगवानपुरे वाली साइड पे उसको ड्रॉप करना है। तो अभी फ़िलहाल पैसेंजर का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे पैसेंजर आता है तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगा। मे बी ये छोटा सा डिस्टेंस है, मैं ड्रॉप लोकेशन नहीं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सिचुएशन है इधर की गड़ी शो की,
हाँ जी, तो मैंने अपनी राइड पे ट्रेन कर दी है जौहर टाउन में। स्टेशन है उसने जो लगाई थी, वो लगाई थी इधर अल्लाह गोल चक्कर के पास में, शोकत थाना वाली बॉर्डरी, उसने वहाँ की लोकेशन लगा दी। बस जाना उसने था शोकत थाना हॉस्पिटल वाले रोड पे या फिर ब्रॉस पे। इदियत है ये, हुसैनियत के खिलाफ है ये, वही है। चारों तरफ से मैम, लेकिन इस बार सर हुसैन का नहीं उतरेगा, लेकिन इस बार सर हुसैन का नहीं उतरेगा। मैंने परसों आप लोगों के साथ एक जो है सरताज गुल की वीडियो के बारे में डिस्कशन की थी, तो वो फाइनली मुझे जो है वीडियो मिल गई है, और आज के ब्लॉग में मैं वो वीडियो अटैच करूंगा जिसमें उसने ये अल्फाजात अपने मुंह से बोले हैं, और जिस औरत ने ये बोले हैं अल्फाजात उसके साथ, वो भी मैं साथ मेंशन करूंगा। तो जो है इस बारे में जितने भी आप बात कर लें, और ये बात छोटी नहीं है, वो ये बहुत बड़ी बात है, वो अलग बात है, इस बात को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपके आपको जो है वो प्रॉपर वीडियो जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो इसने उस दिन दो औरतों ने जो बातें की हैं वहाँ पे खड़े हुए। इंटरव्यू भी चल रहा है न्यू टेलीविजन का, ये है ये, और वो उनकी इधर वैन खड़ी हुई है, वो इंटरव्यू ले रही है। देखे अब क्या इंटरव्यू लेते हैं। इस टाइम मैं इधर हूँ गार्डन टाउन में। हाँ जी, मैं जो आपको भी वीडियो दिखा रहा था वो मेरे पास भी आई है, उसने इंटरव्यू मेरे से भी लिया है, और वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक ये था कि पाकिस्तान की न्यू जनरेशन और इंडिया की न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं उनको क्या तालीम मिल रही है, दुश्मन मुल्क कहना अच्छा रहता है या हमसाया मुल्क कहना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी टॉपिक पर उसने बात की, फिर मैंने उसको पूरी डिटेल में बात बताई। यूट्यूबर है, उसका चैनल है सना अमजद के नाम से। तो मैंने जो है अभी फिलहाल अपनी राइड टू एंड कर दिए इधर ताजबाग स्कीम में। बड़ी प्यारी स्कीम बनी हुई है यार इधर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखी है अच्छी लगी है स्कीम, हर बातों की हद तक इतनी जेब रही है कि यहाँ पे कुछ खरीद सके बंदा, घर वगैरह कुछ खरीद सके, पर कोई नहीं, अल्लाह से ना उम्मीद ही नहीं करते। बाकी जो है आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं आपको नाइट में भी जो है काम का थोड़ा सा वो रिव्यू दे सकूँ। मैंने नाइट में किया है काम, नाइट में अभी कर रहा था, बट मैंने अभी सोच लिया कि मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करनी है, और दूसरी चीज़ ये कि इतनी ट्रैफिक के मुझे इतना लंबा रास्ता जो है वो चूज़ करना पड़ा यहाँ पे ताजबाग आने के लिए। यार इतनी गाड़ी आती कहाँ से, इनके पास ही पेट्रोल कैसे मैनेज कर लेते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है, ये पेट्रोल कैसे मैनेज कर लेते हैं, ये अपना सिस्टम कैसे चला लेते हैं, अल्लाह ही है, गरीब आवाम का भी कोई पुरसाने हाल निकल आए। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जैसे ऊपर वाली साइड से जाता हूँ, अंडरपास से तो सारे जाते हैं, यहाँ पे जो है वो एक तो दरबार आपको दिखाना था फिर सादिक शाह का, ये उनका दरबार है। पहले जो चीज़ थी पहले वो डिफरेंट थी पहले, अब ये देखे ना ये ऊपर वाला रोड इतना सुकून दे है, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर घर हैं,
कितने फैसिलिटी है यहाँ पे, यहाँ पे रात को क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लाइट लगा दी है, लाइट सुपर लगी हुई है पर चलती नहीं है, हमारी किस्मत ये है। हम लोग हर वो कर्जा उतारते हैं, हर वो टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे नसीब में एक स्ट्रीट लाइट नहीं होती, जो सिर्फ लगी हुई है, सिर्फ एक मॉडल के तौर पे लगी हुई है, चलना इनकी किस्मत में नहीं है। भला ये लाइटें जल जाए तो एक्सीडेंट की रेशियो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी।